हेलो फ्रेंड, मैं बीके वर्मा, फार्मासिस्ट एंड मेडिसिन काउंसलर। आज हम बात करेंगे स्केबोमा सॉप के बारे में। स्केबोमा का कंपोजिशन क्या है और इसका यूज क्या है, और स्केबोमा जो सॉप है ये कैसे वर्क करता है, जब लगाते हैं तो कैसे वर्क करता है। जो स्केबोमा सॉप है उसका कंपोजिशन जो है वो मोनोसल्फिराम सॉप होता है। मोनोसल्फिराम जो है एक एलोपैथिक कंपोजिशन है, जिसका अगर कंपनी की बात किया जाए जो स्केबोमा सॉप आता है वो ग्लेनमार्क कंपनी का है, और इसकी एमआरपी की बात किया जाए तो ये जो है एक साबुन आपको 90 रुपये में आपको मिल जाएगा हर एक काउंटर में। और उसके बाद बात करते हैं स्केबोमा के ब्रांड के बारे में बात करते हैं। अगर इसके ब्रांड के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो है टेटमोसोल साबुन आता है, और स्केबोमा सॉप आता है, और ये बहुत सारे ब्रांड आते हैं मार्केट में मोनोसल्फिराम सॉप। और इसका अब हम बात करते हैं यूज क्या है। अगर यूज की बात किया जाए तो ये ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ अगर किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन है उसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट है, या फिर एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, या फिर सोरायसिस हो, फिर स्कैबीज हो, या फिर ईचिंग चल रही हो बॉडी में, या फिर बॉडी में जो है रेडनेस रेसेस हो, या फिर इन्फ्लामेशन हो, तो ये सब पूरा जो है स्केबोमा जो सॉप आता है मोनोसल्फिराम, ये सब एनी टाइप ऑफ स्किन चीज में वर्क करता है। और ये बॉडी में जाके वर्क कैसे करता है, जो भी बैक्टीरिया होती हैं जैसे इसके बीज में हो गया या फिर सोरायसिस में हो गया, जो इसके अंदर बैक्टीरिया होती है उनको, बैक्टीरिया को जब इसको मोनोसल्फिराम साबुन देते हैं, सॉप देते हैं, तो बैक्टीरिया को पैरालाइज कर देती हैं। पैरालाइज होने के बाद धीरे धीरे जो है बैक्टीरिया किल होने लगते हैं और ईचिंग की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार इसका जो है यूज होता है, वर्क होता है बैक्टीरिया को किल करने में। और साइड इफ़ेक्ट की बात किया जाए तो इसके ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं। बहुत ज़्यादा अगर होता है तो बॉडी में रेडनेस आ सकती है, थोड़ा बहुत रेडनेस होने के बाद, और कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं। और इसके बोमा सॉप का जो रिजल्ट है मोनोसल्फिराम का, वो स्कैबीज या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्किन में बहुत ही अच्छा है। और ऐसी वीडियो हमारी वीडियो है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। किसी फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक।